हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में फ्यू और लिटिल के प्रयोग को सीखेंगे। हम जानेंगे कि फ्यू का प्रयोग किस नाउन के पहले किया जाता है और लिटिल का प्रयोग किस नाउन के पहले किया जाता है, और फिर हम देखेंगे कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर होता है, लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल में भी क्या अंतर है, ये भी हम सीखेंगे। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर होता है। फ्यू का मीन्स लिखा है कुछ या थोड़े होता है, लेकिन ना के बराबर इसका मतलब निकलता है, नेगेटिव मीनिंग होती है इसकी। तो जो कहने का तात्पर्य है, फ्यू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जो कुछ थोड़ा है और ना के बराबर बचा हुआ है, और ये नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और आफ्यू का प्रयोग जो है ना, किस कैसे अर्थों में किया जाता है, थोड़े या कुछ के अर्थों में, लेकिन जो नाउन है वो कैसा है, अपर्याप्त है या फिर वो अज्ञात है, तो उसके लिए हम एक उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है, जिस नाउन को हम जानते नहीं, उसकी संख्या हमें पता नहीं है, नाउन कितना है, उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। और इसमें ए आर्टिकल्स लगा हुआ है, और ए का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, अज्ञात मतलब अननोन नंबर के लिए करते हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, तो इसलिए हम एक प्रयोग किसके लिए करेंगे, अज्ञात नाउन के लिए, अपर्याप्त नाउन के लिए, और कैसे अर्थ में, थोड़े या कुछ के अर्थों में, और ये पॉजिटिव मीनिंग इसकी होती है। द फ्यू का अर्थ होता है थोड़े, और कितना थोड़ा, जो बचे हुए हैं, जो भी शेष बचा हुआ है, उसके अर्थों में हम क्या करते हैं, द फ्यू का प्रयोग करते हैं। और इसमें द लगा हुआ है, द का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, विशेष और ज्ञात नाउन के लिए करते हैं, और यह पॉजिटिव मीनिंग को भी रखता है। तो फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर हो गया, फ्यू का प्रयोग हम उस नाउन के लिए करेंगे जिस नाउन की संख्या ना के बराबर हो, और ए फ्यू का प्रयोग करेंगे किस नाउन के पहले, जिस नाउन की संख्या हमको अज्ञात है, जिस नाउन की संख्या के बारे में हमें पता नहीं है, और दाफ्यू का प्रयोग कहां करेंगे, जिस नाउन की संख्या हमें ज्ञात है, उस नाउन के पहले हम दाफ्यू का प्रयोग करेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं इन तीनों का प्रयोग किस नाउन के पहले किया जाता है। तो लिखा हुआ है उपयुक्त तीनों का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, और गिनने के साथ साथ वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल मतलब बहुवचन में होना चाहिए, तभी हम फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू का प्रयोग करेंगे। चलिए तो लिटिल के प्रयोग को देख लेते हैं। तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन इसका भी क्या होता है अर्थ, ना के बराबर, जो नाउन की मात्रा कैसी है, ना के बराबर है, उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं। और ये कैसा सेंस रखता है, नेगेटिव सेंस रखता है, नेगेटिव मीनिंग होती है इसकी। आ लिटिल का अर्थ देख लेते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा, और कितना थोड़ा, जो अपर्याप्त है और जो अज्ञात है। इसमें भी क्या लगा है, ए आर्टिकल्स लगा है, इसलिए हम काय के लिए करते हैं, जिस नाउन की हमको मात्रा अज्ञात है और उस नाउन की मात्रा कैसी है, अपर्याप्त है, तो हम ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, और ये भी कैसी पॉजिटिव मीनिंग रखता है। और द लिटिल का अर्थ देख लेते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा होता है, कितना थोड़ा, जो बचा हुआ है, जितना हमें पता है कि कितना बचा हुआ है। और इसमें द होने के कारण द का प्रयोग कहाँ होता है, विशेष और ज्ञात के लिए किया जाता है, इसलिए द लिटिल का प्रयोग जिस नाउन की मात्रा हमें ज्ञात है और वो विशेष है, उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, द लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब चलिए तो अब तीनों का प्रयोग देख लेते हैं किस नाउन के लिए किया जाता है। तो लिखा उपयुक्त तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है, जिन नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, जिनको केवल नापा तोला जाता है, ऐसे नाउन के लिए हम लिटिल की कैटेगरी का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों में क्या अंतर हो गया है, कि जो लिटिल का प्रयोग है ना, उस नाउन के पहले किया जाएगा जिस नाउन की मात्रा ना के बराबर होगी, और आ लिटिल का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाएगा जिसकी मात्रा अज्ञात होगी, और द लिटिल का प्रयोग उस नाउन के लिए किया जाएगा जिस नाउन की मात्रा ज्ञात होगी। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने। तो पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, द कैट ड्रैंक मतलब होता है पीना, तो बिल्ली क्या हो गई, पी गई, और फिल द लैंग्स मिल्क मतलब दूध पी गई। सबसे पहले देखते हैं तो मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है, ना कि फ्यू का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से द फ्यू इसमें प्रयोग नहीं होगा। अब बचा क्या है, लिटिल और द लिटिल बचा हुआ है, तो सेंस इसका समझे, सेंटेंस का क्या लिखा है, कैट क्या कर गई, दूध पी गई, कितना, लेफ्ट मतलब जो बचा हुआ था, इन द पोट मतलब जो बर्तन में शेष दूध बचा था, वह पूरा दूध पी गई। तो हमें यहां पर दूध की मात्रा का पता है, कितना दूध पी गई, तो हमें जिस मात्रा का पता होता है, उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, द लिटिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, फिल इन द लैंग्स नॉलेज, अब जो नॉलेज है वो कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लिटिल कैटेगरी का प्रयोग करते हैं, फ्यू कैटेगरी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें ए फ्यू का
प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब बचते कितने अपने पास हैं, दो ऑप्शन, ए लिटिल और द लिटिल। अब सेंस समझना पड़ेगा साइंटिस्ट का, तो क्या लिखा है, जो नॉलेज है ना इज अ डेंजरस थिंग्स है। नॉलेज कैसा होता है, डेंजरस थिंग होती है। तो कितना ज्ञान डेंजरस होता है, ना के बराबर या अज्ञात ज्ञान, तो कैसा ज्ञान होता है, अज्ञात ज्ञान ही खतरनाक ज्ञान होता है। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, अ लिटिल आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा जो ज्ञान होता है ना, वो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि हमसे एग्जाम में क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान पूरा होना चाहिए। यदि हमें ज्ञान ना के बराबर है तो हम फिर तुक्का लगा के सही कर ही लेंगे, सही है या गलत है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अज्ञात ज्ञान ही क्या होता है, डेंजरस होता है, इसलिए अ लिटिल का प्रयोग किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, तो क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, थिंग्स लेफ्ट। अब यहाँ पर जो थिंग्स है वो कैसा नाउन, आपका काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के लिए हम फ्यू कैटेगरी का प्रयोग करते हैं, लिटिल कैटेगरी का प्रयोग नहीं करते, इसमें से ये ऑप्शन चला जाएगा। तो अब अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, फ्यू और द फ्यू बचा है। तो अब सेंटेंस का सेंस देखना पड़ेगा, थिंग्स, अब लेफ्ट मतलब बची हुई, जो थिंग्स बची हुई है ना वह वस्तुएँ क्या होंगी, विल बी सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होंगी, फॉर बी मतलब मेरे लिए। तो यहाँ पर थिंग्स क्या है, ज्ञात है, क्योंकि यहां पर वो कह रहा है कि जितनी भी चीजें बची हुई हैं वह चीजें मेरे लिए क्या होंगी, पर्याप्त होंगी। इसलिए हम इसमें काय का प्रयोग करेंगे, द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा, फ्यू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि फ्यू किस वस्तुओं के लिए आता है, किस नाउन के लिए आता है, जो ना के बराबर हो। अब ना के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि पर्याप्त हो ही नहीं सकती ना के बराबर चीज, इसलिए द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो फोर्थ में क्या लिखा है, ही बॉट, उसने क्या करा, बॉट मतलब खरीदा, क्या खरीदे उसने, राइस मतलब चावल खरीदे। तो यहाँ पर राइस कैसा नाउन हो गया भाई, आपका अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, लिटिल कैटेगरी का प्रयोग करते हैं, फ्यू कैटेगरी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, लिटिल और अ लिटिल। अब जब आप चावल खरीदोगे, कितने खरीदोगे, ना के बराबर या फिर उससे ज़्यादा खरीदोगे, तो भाई ना के बराबर तो चावल खरीदे नहीं जा सकते, इसलिए लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, इसमें काय का प्रयोग होगा, अ लिटिल का प्रयोग किया जाएगा भाई। फिफ्थ वाले को देख लेते हैं, तो फिफ्थ में क्या लिखा है, ही डिड नॉट हैव फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क। अब मिल्क कैसा नाउन है भाई, आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो भैया लिटिल कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है, फ्यू कैटेगरी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसमें फ्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पर लिटिल लिखा है और सेंटेंस पहले से ये कैसा दिया, नेगेटिव दिया है, और अपन पहले पढ़ चुके हैं कि लिटिल कैसी मीनिंग रखता है, नेगेटिव रखता है। तो एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस सेंटेंस में भी लिटिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, और लिटिल भी कैसी मीनिंग रखता है, नेगेटिव मीनिंग रखता है। चलिए, तो अब सम और एनी में से आएगा, सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, अफर्मेटिव में, और एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में, इसलिए इसमें क्या आएगा, आपका एनी आएगा। चलिए सिक्स एग्जाम्पल को देख लेते हैं, सिक्स में क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स। अब बुक्स कैसा नाउन है आपका, काउंटेबल है, तो काउंटेबल है, तो भैया कौन सा नाउन नहीं आएगा, लिटिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इसको लिटिल में से आप कट कर देते हैं। अब बचते कितने हैं, फ्यू और आ फ्यू बचता है। अब सेंस समझना पड़ेगा, तो इसमें सेंटेंस में पहले देखें तो एज पॉपुलर एज लगा हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, और पॉजिटिव डिग्री में हमेशा काय का प्रयोग किया जाता है, फ्यू का प्रयोग किया जाता है, ना कि आ फ्यू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर उसका सेंस देख लें भाई। तो यहां पर कंपैरिजन चल रहा है, गीता का और अदर बुकों का कंपैरिजन चल रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो कुछ ना के बराबर पुस्तक ही किसके समान होती है, गीता के समान पॉपुलर होती है। तो ना के बराबर मीनिंग निकल रहा है, गीता के समान जो है ना, गीता जो पुस्तक है आपकी, ग्रंथ है ना, उसके कंपैरिजन कर दिया है अन्य बुकों से, तो उसके बराबर कुछ ही बुक पॉपुलर होती है, तो ना के बराबर मीनिंग दे रहा है। तो ना के बराबर के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, फ्यू का प्रयोग करते हैं।